अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को चिली चीज़ टोस्ट की रेसिपी बता रही हूँ। आप लोग इस रेसिपी को पूरा मेरे देखें, चिली चीज़ टोस्ट की रेसिपी को। रेस्टोरेंट स्टाइल का है मेरा ये रेसिपी, आप इसको पूरा देखें और बनाएं। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगा। चलो चलते हैं, अपने रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखो, शिमला मिर्ची थोड़ा सा मैंने बारीक काटा है, और ये बारीक वाला चिली है, ये इसको मिर्ची है, इसको मैंने चार दाने बिल्कुल बारीक काटे हैं। मिर्ची जितना आप लोगों को पसंद है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें डाल सकते हो। और दो लहसुन, लहसुन इसमें बहुत ज़रूरी है। दो लहसुन मैंने इसमें पीस लिया, रेस्टोरेंट स्टाइल का आज मेरा रेसिपी है। आप लोग इसको ज़रूर आज़माएं, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में ये रेसिपी बनता है। अभी एक कटोरी मैंने लिया है, देखो शिमला मिर्ची बारीक कटी हुई, ये बारीक वाला दूसरा मिर्ची है, यही वाला चार मैंने काटा, ये दो लहसुन, और ये मंजरेला का चीज़ एक कप भर के, बटर इसमें ज़्यादा ऐड करने हैं, बटर बहुत ज़रूरी है इसमें। बटर भी देखो मैंने डाल दिया इसमें। अभी इसको हम मिक्स करेंगे। नमक इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि बटर भी नमकीन होता है, मोन्जरेला का चीज़ है वो भी नमकीन होता है। इसमें हम बटर नहीं मिलाएंगे, सॉरी नमक नहीं मिलाएंगे इसमें। इसको अच्छी तरह, इसमें मेहनत कुछ भी नहीं है, बस मेहनत यही है इसको सिर्फ मिलाना है और अच्छी तरह बस। बहुत आसान और सिंपल रेसिपी और बहुत मज़े की ये बनते हैं। आप लोग ट्राई करें, बच्चों के लिए अपने लिए बनाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगा। देखिए अभी मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स किया है। अब इसको हम, ये ब्रेड मैंने लिया है, अब इसके ऊपर हम इसको लगाएंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप किनारे का इसका काटें या नहीं काटें, आप लोगों की मर्ज़ी है, ज़रूरी नहीं है काटना। जो सख्त वाला साइड था वो दोनों तरफ मैंने इसका काटा है, दो तरफ मैंने नहीं काटा। ये वाकई में बहुत मज़े की बनते हैं, आप लोग ट्राई करें इसको और मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चीज़ मैंने मोन्जरेला का लिया है, ज़रूरी नहीं है मोन्जरेला का चीज़ हो, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो। इसको हम इस तरह इसमें फैलाएंगे। इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, बस सारी चीज़ें घर में मौजूद होते हैं पहले से। पूरा पूरा सही से इसको लगाना है। इसी तरह मैं सब देखे, सबको मैंने लगा दिया। अब इसको हम चले चलते हैं पैन पे, थोड़ा गर्म करें हमारा। देखो बिल्कुल स्लो आंच पे मैंने इसको लगाया है, और इसको अभी हम रखेंगे इस तरह। दो तीन मिनट के बाद फिर मिलेंगे। ठीक है, रेडी हो गया। बस इतना सा था ये रेसिपी हमारा, इसका ज़्यादा मेहनत बस वही बटर चीज़ को मिलाना था हमें। अभी इसको हम डिश आउट करेंगे। ठीक है, इसको मैंने उतार दिया, चीज़ और बटन को अच्छी तरह मिलाना है, बस इसका मेहनत यही है।
इसको भी हम कटिंग करेंगे। देखो बिल्कुल टोस्ट बन गया इसका, ये देखें बहुत मज़े की ये बने हैं। आप लोग इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगा। इसी तरह आप दूसरे को हम काटेंगे, देखो टोस्ट बन गया है। यही चीज़ चाहिए हमें, देखें आप लोग एक बार ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को रेसिपी मेरा पसंद आएगा। देखें बाहर पीछे से देखें इतना क्रिस्पी बनाई। अब इसको हम प्लेट में रखेंगे इस तरह, सोया का साग का एक पत्ता मैं इसके ऊपर रखूंगी डेकोरेट के लिए। अभी देखें कितने मज़े की बने हैं, आप लोग ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगा। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।